नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, जीवन में क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनसे बड़े चमत्कार हो जाते हैं। छोटा सा एक अंकुश होता है, इतना सा, थोड़ा बड़ा होता है इतना सा, वो इतने बड़े विशाल का हाथी को अपने कंट्रोल में करके रखता है। छोटा सा एक मंत्र होता है, देवी देवताओं को ऊपर से नीचे बुला लेता है। एक बूंद छोटा सा विष लंबे चौड़े आदमी को सेकंड में सुला देता है। सांप के छोटे छोटे दांत आदमी की तबीयत खराब कर देते हैं। तो छोटी चीजों को कम मत आंकिए। वही छोटी चीज में आपको आज बताने आया हूं। जीवन में यदि धन की कमी आ जाए, मान की कमी आ जाए, धर्म की कमी आ जाए, जीवन में परेशानियां बढ़ने लगे, अच्छाइयां घटने लगे, सम्मान की कमी होने लगे, तो क्या करना पड़ेगा? आपके घर में हल्दी होती है, हल्दी यदि खड़ी हो, खड़ी मतलब जिसे हल्दी हल्दी की गांठ हो, गांठ वाली हल्दी हो तो सबसे बढ़िया रहता है। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो हल्दी का जो पाउडर होता है वही सही है, वो भी चलेगा, क्योंकि दोनों में एक ही गुण होते हैं, एक ही चीज होती है। पाउडर होता है वो भी चलेगा। आपका एक पेन चाहिए। कैसा पेन चाहिए? ऐसा पेन चाहिए जो आप पेन लेके आए और कम से कम 13 दिन तक उस पेन को आपने यूज किया हो अपने हाथ से। ये मोर की नहीं, जो पुराने जमाने में जो कलम होती थी ना, कलम, उसमें जैसे रामायण भागवत लिखते थे पंखुड़ियों से, जिस चीज से लिखते थे उसको कलम बोलते थे ना, तो वो कलम चाहिए थी। अब कलम तो आजकल रही नहीं, आजकल आपके हाथ में पेन है। तो पेन से जो चमत्कार होता है वो चमत्कार मैं बताता हूँ। 13 दिन तक कम से कम आपके हाथ से चला हुआ पेन होना चाहिए। 13 दिन तक चले हुए पेन को आप लाइए और उस पेन पर आप कैसे भी पीले रंग का धागा ऊपर से लेके नीचे तक लपेट दीजिए। ऊपर से लेके नीचे तक पीले रंग का धागा लपेट दिया, अब उसको क्या करना है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई पतला पीला झीना कपड़ा लेकर के उस कपड़े में उस पेन को लपेट दें, कपड़े में पेन को लपेट करके फिर पीला धागा लपेट सकते हैं, फिर भी लपेट सकते हैं और ऐसे भी लपेट सकते हैं। जैसे जैसे आपको सुविधा हो, जैसा आप कर सकते हो वैसा आप कर सकते कीजिए, बढ़िया रहेगा। अब क्या करना आपको, इस पेन को जहां आप हल्दी रखते हो, चाहे हल्दी, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात है कि यदि आपके घर में 2 डब्बे हो हल्दी के, एक में आप कम हल्दी रखे हो रखते हो और एक में आपने लॉट में हल्दी ले रखी है, जैसे मान लो 10 किलो हल्दी ले रखी है, 5 किलो हल्दी ले रखी है घर में, कोई बड़ा भरण हो, बड़ा कोई बर्तन हो जिसमें आपने ज्यादा हल्दी ले रखी हो, तो आपको क्या करना है, जिसमें ज्यादा हल्दी हो उसमें इस पेन को बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो प्रथम बृहस्पतिवार हो, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष हो प्रथम बृहस्पतिवार हो, 13 दिन यूज किया हुआ पेन हो, पीले रंग का कपड़ा से उसको ढका हुआ हो और पीले रंग का धागा, चाहे वो गिट्टी वाला ले लो, कुछ भी ले लो, पीले रंग का धागा ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से लपेटा हुआ हो, वो ले जा करके आपको उस हल्दी की गांठ वाली या हल्दी के पाउडर वाले डिब्बे में ले जा करके आपको चुपचाप से, किसी के पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए, बाद में चले घरवाली को पता चले अलग बात है, एक बार जब आप कर रहे हो इस कार्यक्रम को तब आपको पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये आपने कर दिया, ये आपने रख दिया, रखने के बाद चुपचाप आइए, चुपचाप आकर के कोई भी प्रसाद हो आपके पास, पीले रंग का कोई भी प्रसाद हो, पीले रंग की मिठाई हो, वो भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान विष्णु को या भगवान सूर्य को, कई भी मतलब पीले रंग की मिठाई चढ़ा दीजिए। पीले रंग की मिठाई चढ़ा करके खुद भी खाना जरूरी है और प्रसाद बांटना भी जरूरी है। प्रसाद बांट दिया, खुद खा लिया, आश्चर्य होगा, चमत्कार होगा, जीवन में मजा आ जाएगा। आपको कुछ दिनों में ऐसा महसूस होगा कि जहां जाते हो सम्मान बढ़ रहा है, जहां जाते हो अर्थव्यवस्था आपकी उन्नत हो रही है, जहां जाते हो आपकी स्थिति अच्छी बेहतर होने लगी है, कोई अधिकारी है वो आपसे बड़े प्रेम से बात कर रहा है, कुछ भी हो आपके जिंदगी में, जो भी बाधाएं हो परेशानी हो धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। लेकिन इस पेन के साथ एक झंझट है, हर 13 महीने में इस पेन को बदलना पड़ता है। हर 13 महीना आ गया, हर 13 महीने में चुपचाप से वही क्रिया आपको करनी पड़ी है, ये आपको याद रखना पड़ता है। जिस महीने में आपने पेन को डाला उसके अगला, उससे अगला महीना जो होता है वो 13वें महीने में आता है। तो 13 महीने में जो महीना आता है उस महीने के प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को आपको ये क्रिया वापस करनी पड़ती है, तब ये एक्टिव रहता है, नहीं तो उसके साथ ही ठस
रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। लाभ हो तो दान कीजिए, पुण्य कीजिए, संसार में अच्छे कर्म कीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों। अरे मैं भूल गया कहना, सब्सक्राइब करो भाई।